Hello everyone, welcome to Manual Education. Jai Hin, good morning. Am I audible? Please reply me past Am I audible or not? Good morning, Nilam Ji Khan. Good morning. ओके सलोनी ओके गुड मॉर्निंग मधुरा गुड मॉर्निंग देवयानी सो लेट अस स्टार्ट विद द टुडे सेशन So once again, hello everyone. Welcome to Manual Education. And today we will discuss the important current affair of the thirteenth March, two thousand twenty-two, from the Hindu newspaper. So if you observe this particular thumbnail, so we will discuss in this particular session. Before we going to start, I want to discuss that if you are preparing for the law entrance, MB entrance, TIS examination, and government bank examination, and if you are also preparing for the bba entrance hotel management entrance a B.A. entrance and sscgl entrance so don't worry man Our education is here and if you are interested for this kind of the courses so google form link is available in the description where you can fill the form very easily as per your requirement and our counseling team will contact you and will definitely guide you if you are the new family member of the manover education so please subscribe our channel in the youtube and we have also a social media platform where you can get the regular updates and if you are looking for online live classroom coaching so just contact us on 882851455 and if you are looking for classroom coaching at the mumbai so we have a three centers borivali bossa and dadar so you can visit the center also and you can also visit our website which is called the edu.com so let us start with the first slide सो so, uh, यहाँ पर कल के सेशन के दौरान हम लोगों ने क्वेश्चन uh, कुछ डिस्कस किए थे और मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे गुड मॉर्निंग साजिया जी निधि पांडे गुड मॉर्निंग मधुरा गुड मॉर्निंग ओके सो इंडिया रोड फीचर्ड इन गुजरात ओके तो यहाँ पर मैंने पूछा था कहाँ पर स्टील फीचर रोड किया गया है so, गुजरात के अंदर जो सूरत सिटी है ठीक है सूरत के अंदर यहां पर फर्स्ट स्टील रोड फीचर किया गया है इज इट क्लियर

जय हिंद हेडक्वार्टर जो है केनिया के अंदर है इज इ क्लियर सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एंड आर पर्टिकुलर बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ओके जैसे कि जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल एनवायरमेंट प्रोग्राम सो देर आर सिक्स सब्सिडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग अनता गुड मॉर्निंग जय हिंद लट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन स्विज ओपन बैडमिंटन टाइटल टू थाउजेंड जो यहां पर आप फोटो देख सकते हैं पीवी सिंधु वॉन दि पर्टिकुलर टाइटल इज इ क्लियर ज इट क्लियर और नॉट ओके सो यू हैव टू ऑल्सो रिमेबर स्विश ओपन बैडमिंटन टाइटल जो दो हजार बाईस के अंदर हुआ जिसका किताब पी वी सिंधु जी ने जीता है इज इट क्लियर ओके लड़स डिस्कस दुडेज आर्टिकल रिगार्डिंग दिज दिंदू न्यूज पेपर सो इफ यू टॉक अबाउट दिज पर्टिकुलर आर्टिकल सो यू कैन आइडेंटिफाई राइट यू कैन आइडेंटिफाई अहेड ऑफ दी लवरोज अराइवल यू एस टू सेंड डेप्यूटी एन एस ए टू इंडिया ठीक है तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जस्ट अहेड ऑफ रशियन Foreign Minister huh, Foreign Minister Sergei Lavrov to India this week. The Biden administration is sending its chief strategist uh, on sanctions against Russia for the war in Ukraine. Deputy National Secretary Advisor Dilip Singh. Mr. Singh is due to be in Delhi for meetings on Thursday, while Mr. Lavrov will hold meetings with the external affairs uh, minister S.J. Shankar and other officials on Friday after arriving from Beijing. Where

हुए थेउट दी मार्च टू थाउजेंड नाइन दाइमसन ट्वेंटी सेकंड मार्च यूएस अंडर सेक्रटरी ऑफ दॉलिटिकल अफेयर विक्टोरिया न्यूलैंड एंड ग्रीस एफ एम निल्क निकोज डेंडिस तो ये सारे के सारे लोगों का जो यहाँ पर आप लोगों को शेड्यूल दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो अभी जो आज आने वाले हैं वो है यूएसए के जो है एनएसए क्लियर दिलीप सिंह और यहां पर आप देख सकते हैं उसके जो फॉरेन मिनिस्टर भी है रशिया के आ, सर्जरी लेवरो, वो भी आने वाले हैं आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर दिस थिंग ओके अक्षय गुड मॉर्निंग सौरभ जी गुड मॉर्निंग ओके जय हिंद सो लेट अस मूव ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड यहां पर आपको ये भी आर्टिकल में समझने को मिल सकता है कि जो रशिया के ऊपर सेंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा उसके रिगार्डिंग जो सेक्रेटरी है यूएसए के वो भी यहां पर पॉलिटिकल यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करने आने वाले हैं इज इट क्लियर सो यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर मीटिंग वी कैन ऑल्सो

ओके okay, तो यहाँ पर आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देखा था फिर से एक बार भारत ने हेल्प की है किसकी श्रीलंका की इजी क्लियर तो यहाँ पर जो चाइना का वेंचर बना बना या रहता था श्रीलंका के अंदर और जिस तरीके से चाइना की स्ट्रेटेजी थी कि उसके कर्जे में उसको डाल देने की बाद में यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो यूज करने की वो सारी की सारी चीजें जो है चाइना कर रहा था पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है अगर इफ यू टॉक अबाउट दी मैप ऑफ द इंडिया एंड दी श्रीलंका ओके तो इस पोर्शन के अंदर ओके okay. so, इस पोर्शन के अंदर चाइनीज की जो वेंचर थी चाइना का इन्वेस्टमेंट था काफी हद तक ज्यादा था इज इट क्लियर यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग इफ यू टॉक अबाउट तमिलनाडु तो तमिलनाडु से अगर देखा जाए तो ये जो रास्ता है काफी नजदीक है इज इट क्लियर तो यहां पर ये आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया विल सेटअप ए हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स इन देयर आईलैंड ऑफ जाफना इफेक्टिवली रिप्लेसिंग द चाइनीज वेंचर क्लियर बाय द कोलम्बो लास्ट ईयर ठीक है तो यहां पर जिस तरीके से भारत ने श्रीलंका को हेल्प की और साथ ही साथ यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा बनाने वाले थे इस रीजन के अंदर जो जाफना का रीजन है ठीक है जाफना का जो रीजन है उस रीजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया की हेल्प की तौर पर अभी चाइनीज वेंचर यहाँ पर नहीं आ सकता अदरवाइज वो यहाँ पर अगर आ जाता तो तमिलनाडु के करीब काफी हद तक वो चाइनीज रेजिमेंट बिठा सकते थे और यहाँ पर आप लोगों को पता ही रहेगा कि चाइना का जो इस पोर्शन में हम्बन आइलैंड है उसको भी नाइन्टी नाइन के तौर पर यहां पर श्रीलंका ने लीज पर श्रीलंका शिल, ने लीज पर चाइना को दे दिया है इज इट क्लियर बिकॉज ऑफ क्लियर सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ऑफ चाइना एंड पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ऑफ द इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप इज इज क्लियर सो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी है सो इंडिया विल सेटअप ए हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन थ्री आईलैंड ऑफ जाफनाफेक्टिवली रिप्लेसिंग दाइनीस वेंचुर कोलम्बो लास्ट ईयर The memorandum of understanding for the project was among those signed during a meeting between visiting external affairs uh, minister EAM as Shankar uh, and his Sri Lankan counterpart GL Paris late on the Monday. Dono kibich meeting hui or is mein charcha hui Is it clear? So, if uh, it is the third Indian uh, energy project coming up in the Sri Lanka's north and east region.

वहां पर लगाए जा सकते हैं इज इट क्लियर सो आप लोगों को पता ही रहेगा कि हमारा श्रीलंका के रिगार्डिंग जो कंसर्न है वो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हमारी एक स्ट्रेटेजी थी जो डायमंड डायमंडी थी यहाँ पर हम हम लोगों ने चाइना की ऑफ की स्ट्रेटेजी थी वो डिस्कस की थी यहाँ पर जो पूरे के पूरे भारत को जो चाइना जिस तरीके से घेर रहा है ठीक है तो हमने भी यहाँ पर चाइना को एक डायमंड ऑफ स्ट्रेटेजी के अंदर उसको घेरा है ठीक है स्ट्रेटेजी ऑफ डायमंड के अंदर घेरा है तो अगर बात करें चाइना जो है नॉर्थ साइड में है ईस्टर्न साइड में भी है और अगर बात करें अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में भी जहां पर अक्ष वाला इलाका है और वहां पर भी उस पर्टिकुलर रीजन में चाइना हासिल है इसलिए तो श्रीलंका के अंदर अगर चाइना आ गया तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिकल मूव रहेगा वो बिगड़ सकता है और नेशनल सिक्योरिटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है तो उसी के एस्पेक्ट से यहाँ पर चाइना इंडिया जो है काफी हद तक श्रीलंका को हेल्प कर रहा है इज इट क्लियर जहां पर आप लोगों को मैंने बताया था कि 400 मिलियन डॉलर ठीक है 400 हंड्रेड डॉलर मिलियन डॉलर की पहले हेल्प की गई थी उसके बाद फाइव हंड्रेड डॉलर बिलियन बिलियन डॉलर की हेल्प की गई थी इंडिया के द्वारा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इज इट क्लियर अगर चाइना श्रीलंका के अंदर और आ जाता है तो यहां पर हमारा जो स्ट्रेटेजिकल प्लान है वो काफी बिगड़ सकता है आशुतोष, ठीक है? एंड इफ वी टॉक अबाउट दी चाइना स्ट्रेटेजी स्ट्रिंग ऑफ दल स्ट्रेटेजी ओके सो इन जनवरी 2021 श्रीलंका कैबिनेट डिसाइडेड टू अवार्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन दी नैनी वो डेल्थ और निंदू थी वो एंड दी अने थीवू आइलैंड तो चाइनीज फॉर्म सी नोश आर इचिन ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखें और साथ ही साथ भारत ने यहाँ पर श्रीलंका के साथ बहुत सारे डिफेंस पैक्ट किए हैं और उस डिफेंस पैक्ट में काफ़ी हद तक हम लोगों ने इंडियन फोर्सेज जो है हमारी उन्होंने श्रीलंकन फोर्सेज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है इसी है सो दैट इज अ कंसर्न ऑफ द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड दिस श्रीलंका सो यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग श्रुति का आधार है गुड मॉर्निंग जय हिंद ओके अस मूव ऑन दी पर्टिकुलर वन यहां पर अगर मैं भारत और श्रीलंका के रिलेशन की बात करूं सो दैट इज अ श्रीलंका एंड न्यू दिल्ली हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द सिक्योरिटी इन रिसेंट ईयर द टू साइड्स हैव स्टेडीली इंक्रीज द मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप्स हम लोगों ने मिलिट्री uh, एक्सरसाइज में भी अच्छी तरीके से पार्ट uh, पार्ट लिया है दोनों की uh, जो एक्सरसाइज है व्हिच इज कॉल्ड द मित्र शक्ति एंड सेकंड वन इज द नेवल एक्सरसाइज हुज नेम इज द स्लिनेक्स ओके सो यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस थिंग रिगार्डिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द टू कंट्रीज ओके चाहे वो नेबर कंट्रीज हो चाहे वो नेबर कंट्रीज ना हो ओके सो यू यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर वन ओके सो इंडिया आल्सो प्रोवाइड्स द द डिफेंस ट्रेनिंग सो टू फोर्स एंड श्रीलंका इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स इन शार्क सो व्हाट इज द गाइस शार्क साउथ एशियन एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सो दैट इज कॉल्ड द शार्क इज इट क्लियर एंड इफ वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर शार्क ओके ओके इफ यू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर शार्क सो यहां का जो रीजियन है श्रीलंका जो रीजियन है ठीक है बे ऑफ बंगाल का जो पूरा का पूरा रीजियन है तो उस रीजियन को यहां पर शार्क

आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज हाउ मेनी मेम्बर्स आर इन दि शार्क ओके माधव एट निधि पांडे एट रितेश कुमार सेवन ओके नीलम परिहार एट ओके राइट लुफी, इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश भूटान और अफगानिस्तान ओके राइट सो देर आर दंट्रीज इन दार्क ओके इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान भूतान एंड द श्रीलंका ओके थिंग इज इज क्लियर एंड लेटअस मूव ऑन दस्ट वन फ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुल्रीमेंट विच इज कॉल द्री ट्रेड एग्रीमेंट सो वट आर द पर्पज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू रिड्यूस द टेरिफ और टू डिस्ट्रॉय दिटवी द एसपोर्ट एंड इम्पोर्ट जहां पर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है तो उसका जो टेरिफ लगता है कस्टम ड्यूटीज लगते हैं उसके जो टेरिफ को अगर हम लोग रिड्यूस करें या उसको डिस्ट्रॉय कर दे सो देट इज अग्रीमेंट विच इज कॉल द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओके तो यहाँ पर इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में काफी हद तक एग्रीमेंट हुए हैं एफ टी ए है सीपा है तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए रिगार्डिंग दस्पेक्टे So there is a main framework of bilateral trade has been provided by the India and Sri Lanka Free Trade Agreement. It stands for the ISTFA. Okay, so that was signed in 1998 and entered into the force in March 2000. Okay, so you have to also remember this thing regarding the particular FTA free trade agreement. Is it clear? Okay, right. And if we talk about haan, right, Luffy headquarters is in Kathmandu, Nepal. Right. Shark Kaha, right, right. Okay, and there is a uh, huh, right Luffy Kathmandu Nepal and there is a only one motivation from your side guys. Your first one is your presence and second one is your likes. Okay, so I'm waiting for that. Let us move on the next article. If you observe.

एनीवन, राइट निराली जी राइट लूफी असाउंड राइट So, काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करें तो यहां पर स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको नेशनल पार्क पूछे जा सकते हैं कौन से स्टेट में लोकेटेड है या सिचुएटेड है ये भी पूछे जा सकते हैं सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ओके इफ यू वेट हाँ ओके देवयानी वेट वेट निधि पांडे लेग हो रहा है ओके स्क्रीन इज विजिबल गाइस। स्क्रीन इज विजिबल गाइस। स्क्रीन इज विजिबल ओके ओके अनीता, आशुतोष ओके माधव ओके आपको ये याद रखना है कि जो सेंस किया गया था दो हजार अठारह के दौरान कि कितनी कितनी प्रजातियां हैं और कितनी यहाँ पर उसकी पॉपुलेशन है सो द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेटर वन हाउंड और इंडियन राइनो राइनोसोरस इन द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व has increased by 2000 in four years at the latest census of the world heritage sites flagship animal has revealed uh, the last Rhino census conducted in 2018 and put the number at 2413 is it clear? So you have to also remember this thing. Okay, Nilam, right? Good morning, Rushi Jai Okay. So if we talk about the particular one regarding the strategic GK of the uh, Kaziranga National Park, so you can clearly check over here. ओके okay, सो so काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो राइनो वन होन राइनो सौरस जो पाए जाते हैं क्लियर ओके सो इफ यू ऑब्जर्व पर्टिकुलर मैप ऑफ आसाम सो यू कैन चेक द आसाम एंड यू कैन आल्सो सॉरी यू कैन आल्सो चेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क ऑफ द आसाम ओके एंड यू यू कैन ऑल्सो यू आइडेंटिफाई विद पर्टिकुलर वन रिगार्डिंग द अरुणाचल प्रदेश भूटान एंड द पर्टिकुलर वन मेघालय ओके भूटान इज द डिफरेंट कंट्री फ्रॉम द इंडिया एंड दैट इज अ नेबर कंट्री ऑफ द इंडिया एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस अरुणाचल प्रदेश एंड द मेघालय ओके सो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द असम तो ये पहले असम के ही पार्ट थे और असम एक बड़ा सा पूरा था, उसमें से ये सेपरेट हुए थे अरुणाचल प्रदेश का कुछ कुछ पोर्शन इन स्टेट ऑफ आसम एंड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग वैल्यू बट यू आल्सो रिमेंबर दिस थिंग इट इज सिंगल लार्जेस्ट अनिस्टर्ब एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया इन दी ब्रह्मपुत्र वैली फ्लॉवर्ड पेन प्लेन ओके So, if we talk about the legal status, so it is declared in the 1975 as a Kaziranga National Park, okay. And there are the also declaration over here regarding this, wait, regarding this, right, huh, regarding this the Tiger Reserve 2007 and it has a total Tiger Reserve area 1030 square kilometer with a core area of 4330 square kilometer. Okay, and if we also talk about the international status, so there is a UNESCO World Heritage Site in 1985. So it stands for the we can also say that the UNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific, uh, and the Cultural Organizations. Okay, so you have to remember this particular nation's abbreviation, and you have to also remember the headquarter of this particular one okay so it is a recognized as an important bird area by the bird life international okay so you have to also take care about this thing regarding the kaziranga national park okay let us move on the next one uh if we talk about the how many national parks are in the Assam, which is very important so please mention over here also in the notebook uh dibru sikhova national park manas national park namiri national park rajiv gandhi orange national park okay सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग दट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मानस नेशनल पार्क जो आए दिन ये पूछा जाता है कोई भी कंपिटेटिव या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान ओके okay? हाँ पेरिस फ्रांस यूनेस्को राइट लोफी लुफी दूनेस्को हेडक्वार्टर किधर है कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी इन द लाइव चेट वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को I am waiting for your answer, guys. And I want to request all of you there is only one thing which is called the motivation, your presence, and second one is your likes for that particular video. Okay. Kanjanji, Paris, Saloni Paris, Madhav Paris, Abai Paris, Anita Ji Paris. Okay. Right. सो यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका हेडक्वार्टर किधर है दोस्तों, पेरिस के अंदर है इस क्लियर राइट फ्रांस पेरिस के अंदर है ओके लडस मूव ऑन दी नेक्स्ट वन यहां पर एक आर्टिकल दोस्तों आया हुआ है रिगार्डिंग दी बिम्स्टेक सो लरस डायरेक्टली मूव ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल राइट लेट एस डिस्कस दिस आर्टिकल फर्स्ट फर्स्ट म्यांमार कंटिन्यू सस्पेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी सबसे पहली चीज यहाँ पर ये जो फोटो आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा नवंबर 16, 2021 मिलिट्री ऑथोराइज एड इलेक्ट्रल फ्रॉड चार्जेसिंग सुब्यूज ऑफ पावर रिलेटिंग इन टू दी टू पोल्स हर पार्टी वन बाय लैंडस्लाइड ओके तो ये जो मोहतरमा है जिसका नाम है सुई काय जो सेवेंटी सिक्स ईयर की ओल्ड वूमन है और एक वहां पर की पोलिटिकल पार्टी है म्यांमार की वहां की वो लीडर है इस इज क्लियर तो सबसे पहले जब भी वो डेमोक्रेसी थी उसके बाद डेमोक्रेसी खत्म हुई इसका अरेस्ट हुआ और उसके बाद मिलिट्री रूल लागू किया गया म्यांमार के अंदर

टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल तो म्यांमार के अंदर जब भी डेमोक्रेसी खत्म हुई मिलिट्री रूल लागू किया गया तब तक उसकी ही आर्मी ने म्यांमार की ही आर्मी ने अपने ही लोगों को यानी कि 1707 लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया ठीक है अरेस्ट भी किए और डेथ भी किए ठीक है तो टोटल किल्ड 1707 इज क्लियर सो यू अबाउट दिस थिंग एंड इफ यू टॉक अबाउट दि वॉट इज अ म्यांमार एंड रशिया रिलेशनशिप तो सबसे पहली चीज यहाँ पर समझ लीजिए रशिया का काफी हद तक करीबी मित्र जो माना जाता है या दोस्त माना जाता है वो है म्यांमार इज इट्लियर दोनों के बीच के अच्छे रिलेशन है सो म्यांमार्स मिलिट्री जुनता साइज पावर लास्ट ईयर ऑन वन फर्स्ट एंड देन इन्वाइटेड रशिया their true friend as a guest of honor of its armed forces day celebration apart from Russia India and seven other countries sent their representatives to attend the military parade okay तो yahan पर जैसे ही म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है मिलिट्री म्यांमार की मिलिट्री को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स चाइना आ, एक्सपोर्ट करता है रशिया एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन एक्सपोर्ट करता था ठीक है तो यहां पर अगर देखा जाए तो म्यांमार के रिलेशन है काफी हद तक अच्छे हैं साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को यह भी याद रखना है कि जो एक्सपोर्टर है म्यांमार के वो उसके अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली भी है ठीक है सो इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर वन रिलेशन बिटवीन द रशिया एंड दी झुंता सीम्स टू बी कॉपरेशन एंड वन विच नाउ

सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन की यहां पर जून फोर्टीन दो हज़ार की अगर मैं बात करूं तो सुई काई गोज ऑन ट्रायल फेसिंग स्ल्यू ऑफ चार्जेस वाइडली सीन एज पॉलिटिकल मोटिवेटेड इफ कन्विक्टेड द 76 ईयर ओल्ड कुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ ऑन जेल ठीक है अगर उन्होंने ये चीज़ कन्विक कर ली कि यहां पर जो हमने किया था वो चीज़ गलत थी या सही की थी तो यहां पर उसके हिसाब से ये 76 ईयर जो ओल्ड लेडी है उसको पूरे जिंदगी जेल के अंदर गुजारनी होगी, क्लियर। uh, तो यहां पर जिस तरीके का म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल है उसके हिसाब से चार लाख लोगों ने वहां से माइग्रेट किया है ओके सो इंक्लूडिंग एंड प्रेसिडेंट विंग सॉरी It is reported that close to 4 lakh people have been internally displaced seeing the beginning of the COP in 2021, okay? So, you have to also remember this thing. And if we talk about the what led to the COP, so to make the sense of the 2021 COP in the Myanmar, it is important to look at the checkered history of the independent Myanmar, okay? So, you have to uh, clear about this thing, that the situation of Myanmar till मिलिट्री रूल के पावर के अंदर अंडर में है एंड यहां पर जो डेमोक्रेसी है वो डिस्ट्रॉय की गई है मिलिट्री रूल लागू किया गया है बिफोर द 2021 कॉप इट हैड प्रीवियसली टू कॉप्स 1962 एंड 1988 ओके सो इवन ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड्स ऑफ द डेमोक्रेसी द द कंटिन्यूड रिमेन स्ट्रॉगेस्ट इंस्टीट्यूशन म्यांमार हैज बीन अप एंड कंस्टीट्यूशन बींग्राउन लेटेस्ट इट बी रिजल्ट ऑफ द मिलिट्री झुंता ओके सो यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन की 77% सीट से ये जो मोहतरमा थे वो यहाँ पर डेमोक्रेसी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर दी एनएलडी के तौर पर यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जीत हासिल की थी एंड अगर मैं बात करूँ म्यांमार की और श्रीलंका के बारे में तो श्रीलंका जो है वो बिम्स्टेक कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेल्ड कर रहा है उसको लीड कर रहा है ठीक है तो या भी जो बिम्स्टेक की जो मीटिंग्स होगी वो श्रीलंका हेल्ड करेगा और यहाँ पर म्यांमार जो है आ, का मेंबर है और की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बिमस्टेक मतलब क्या है कि बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है ये पूरा रीजन है उसको इकोनॉमिकली डेवलप करने का काम कौन करता है बिमस्टेक एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बिमस्टेक सो दर इज ए हेडक्वार्टर ऑफ द बिमस्टेक विच इज कॉल्ड द ढाका इन बांग्लादेश एंड इफ we talk about this bangladesh this capital so there is a taka and a currency which is called the taka is it clear dhaka and taka and if we talk about the foundation of the strength, so that is a 6 june 1997 okay so uh, there are the particular countries which are the member which are the member of the bimstech india nepal bhutan bangladesh myanmar thailand and the sri lanka let us move on the next one regarding the bimstech so bimstech stands for the what the bay of bengal initiative for multi-sectoral technical and economic corporation it stands for the bimstech which is a regional multilateral organization okay so you have to also remember this thing regarding the abbreviations okay पॉप डेट हुआ था म्यांमार पे एंड गवर्नमेंट के ओवर थ्रू कर दिया था एंड स्टार्टेड मिलिट्री राइट राइट लुफी योर कमेंट इज राइट सेवन मेंबर इन बिमस्टेक ओके यहां पर आप बिमस्टेक के मेंबर भी देख सकते हैं आई ऑल्सो रिपीट वन वंस अगेन इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड एंड श्रीलंका सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन सो दैट इज अ साउथ ईस्ट एशिया ठीक है तो म्यांमार और थाईलैंड जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर आते हैं यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर अबाउट दिस थिंग इज इट क्लियर म्यांमार एंड थाईलैंड जो बाद में उसके अंदर एड हुए थे ओके okay? uh,

अंदर आ, आ नौ तरीके के जो कंट्री है ठीक है तो यहां पर सारे के सारे एक कॉमन इंटरेस्ट को लेकर बे ऑफ बंगाल बंगाल का जो रीजन है उसको इकोनॉमिकली किस तरीके से डेवलप किया जा सके उसके बारे में रिगार्डिंग एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वंस ओके सो यू टू आल्सो रिमेंबर दिस थिंग रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिमस्टेक ओके पर

thailand and bangladesh is it clear so you have to also take care about this particular one okay let us move on the next one okay next article is says about the facebook and facts, fake news that is not a particular important for your examination point of view so uh, if we if we don't focus so you can skip it is it clear okay इफ यू डोंट टू फोकस इट प्लीज ओके इंडिया पार्टनरशिप तो इस आर्टिकल में भी बीमस्टेक के बारे में अब यहाँ पर बात की गई है द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेसेस इन रिसेंट हिस्ट्री एज वॉर इन यूक्रेन एज इड इवन बिफोर द एंड ऑफ द कोविड नाइन्टीन पैंडिक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सनसेट ऑन द ट्यूजडे कोलम्बो ओके तो यहाँ पर जो एस जय एस जयशंकर साहब है यहाँ पर भी उन्होंने एक कॉपरेशन के बारे में बात की है साथ में सबको लेकर चलने की बात की है रिगार्डिंग द बिमस्टेक ओके सो बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कारपोरेशन सो ही अर्ज द क्लोजर ऑपरेशन एंड द कनेक्टिविटी अमंग द मेंबर्स ओवर हियर एंड यू कैन आल्सो ऑब्जर्व द बिमस्टेक समिट स्कीम रूल्ड फॉर दैनर्सडे and uh, also global attention because of the partner uh, participation from the Myanmar, which was isolated internationally following the military takeover in the Feb 2021. Okay, so यहाँ पर भी S J Sankar साहब ने यही कहा है कि हम लोगों को जो एक multi-sectoral technical and economic cooperation के साथ यहाँ पर चलना चाहिए, तो यहाँ पर उसकी जो meeting होगी दोस्तों Colombo के अंदर होगी. Is it clear? Okay, so that is a one part uh, article over here. Okay. अभी यहां पर ये आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन के जरिए से इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेटेस्ट डिस्कस कि जम्मू कश्मीर ठीक है जो भारत का एक माना जाता है जन्नत जिसको बोला जाता है थीके? तो आर्टिकल से तो थर्टी फोर आउटसाइडर बोट लैंड इन दम्मू कश्मीर तो बाहर के लोग जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते हैं उन्होंने चौतीस लोगों ने यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड खरीदी है इस क्लियर सो प्रॉपर्टी परचेज मेड after the of article 370 in August 2019 says MHA. Okay, Ministry of Home Affairs. So as many of 34 persons from outside Jammu and Kashmir have purchased the properties in the newly created Union Territory and a post dilution of article 317 in August 2019. Uh, the Ministry of Home Affairs MHA informed the Lok Sabha on the Tuesday. Okay, let us move on the next article. So beside this particular article, you can also Check this Assam and Meghalaya article regarding the 50 years border dispute. Okay, Assam. और मेघालय की अगर मैं बात करूं तो उन दोनों के बीच में जो 50 साल पुराना एक डिस्प्यूट था बॉर्डर डिस्प्यूट था उसका सॉल्यूशन निकालने की यहां पर बात की गई है सो वी विल रिजोल्व टू प्रॉब्लम इन द सिक्स अदर एरियाज इन द नियर फ्यूचर आई कॉन्ग्रेचुलेट बोथ साइड ऑफ बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सेड एंड द पोलिटिकल विल ऑफ द टू चीफ मिनिस्टर शाह सेड ही कॉन्फिडेंट दैट द नॉर्थ ईस्ट कुड बी फ्री फॉर इंटर state boundary disputes in the days to come okay so let us discuss this particular dispute between the assam and the meghalaya so there is a, a history of uh, the assam and meghalaya so ahead of the meghalaya 50 statehood day which is celebrated on the 21st jan 2000 आसाम एंड मेघालय बाउंड्री तो दोनों के बीच की जो बाउंड्री है उसके बीच में जो डिस्प्यूट uh, है वो छह रीजियन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है इज इज क्लियर सो अगर मैं बात करूं कि आसाम जो है एंड मेघालय जो है वो दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वो करीब करीब आठ किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है यानी कि बॉर्डर है सो दे ऑल्सो शेयर द बाउंड्री रिगार्डिंग दी 885 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर ओके एंड देर आर पर्टिकुलर 12 पॉइंट्स बिसाइड द डिस्प्यूटेड एरिया रिगार्डिंग द आसाम एंड द मेघालय ओके

नॉट the एट एट फोर रिगार्डिंग 885 किलोमीटर लॉन्ग किलोमीटर बाउंड्री इज it क्लियर सो यू कैन कई कई आप बुक्स के अंदर भी एट एट फोर देख सकते हैं पर एक्चुअली जो है वो एट एट फाइव किलोमीटर बाउंड्री है इज इज क्लियर ओके अस मूव ऑन दिस पर्टिकुलर वन सो अगर मैं आ, बात करूं कि मेजर जो पॉइंट है ठीक है ये किस रीजन के रिगार्डिंग है सो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लैंगपी इन दी वेस्ट गारो हिल्स बॉर्डर इन द कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम ओके जो दोनों के बीच में जो यही एक मेन पॉइंट है शैलेंद्र तिवारी जी गुड मॉर्निंग जय हिंद Uh, ये दोनों के बीच में जो डिस्प्यूटेड uh, पॉइंट है जो काफी हद तक चर्चा में है ट्रेंडिंग में है जिसका नाम है लैंग पी ही इन देश गारोह हिल्स ओके अभी यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि आसाम जो है उससे मेघालय अलग हुआ uh, अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ

यहाँ पर आप अच्छी तरीके से मैप देख सकते हैं कि आसाम का ये जो रीजन है यहाँ पर ये मेघालय का रीजन है दैट इज अ इज अदर कंट्री विच इज कॉल्ड द नेबर कंट्री एंड ये जो दोनों के बीच का जो ये पोर्शन है लैंगफी जिसको बोला जाता है वेस्ट खासी हिल्स के बाजू में ही है वहां पर डिस्प्यूट है इज इट क्लियर ओके मूव ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओके that is not important huh मॉस्को इंसिस्ट ऑन पेमेंट इन रूबल तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए यूएसए ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सेंशन लगा दिए है इकोनॉमिकुलर सेंशन वो यूएसडी के अंदर यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता किसी भी कंट्री के साथ ठीक है यूएस डॉलर के अंदर तो यहां पर उसकी जो मॉस्को uh, है कैपिटल रशिया की तो यहाँ पर उसको यही एक बोला गया है कि अभी जो ट्रेडिंग होगा वो रूबेल के अंदर होगा सो रशिया रीट and tuesday uh, that it will only be

अस मूव ऑन दी नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल श्रीलंका इज मेड क्लैरिफिकेशन रिलेवेंट रिसेंट डिफेंस पैक्ट इन इंडिया सो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि श्रीलंका को हम लोगों ने बहुत सारी हेल्प की है भारत वर्ष ने श्रीलंका की अच्छी तरीके से हेल्प की है 400 डॉलर बिलियन उसके बाद 500 डॉलर बिलियन ओके यहाँ पर उसके जो मिनिस्टर थे वो मोदी साहब को मिलने के लिए भी आए थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक फैक्टर थी विच इज कॉल्ड द रिवेन्यू टावर जिसको बोला जाता है ठीक है तो किस तरीके से उसको जनरेट किया जा सके तो सबसे पहली चीज़ ये डिस्प्यूटेड की रीजन की बात अगर छोड़े तो यहाँ पर अगर ये चीज़ समझे कि ये एक्चुअली हुआ क्यों रिवेन्यू जनरेशन क्यों नहीं हो रहा श्रीलंका के अंदर तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कोविड नाइनटीन टू थाउजेंड के दौरान कोविड नाइनटीन पिक पॉइंट पर था उससे पहले यहां पर श्रीलंका का जो इन्वेस्टिंग पावर था या इन्वेस्टिंग मनी था ठीक है वो सारा का सारा उन्होंने टूर्स एंड ट्रेवलिज्म डिपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट की फॉरेनर्स आएंगे श्रीलंका घूमेंगे ठीक है रावण की लंका देखेंगे और वहां पर ये सारी चीजें करेंगे और रिवेन्यू जनरेशन होगा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में से इज इट क्लियर सो so, ये श्रीलंका का आस्पेक्ट था पर कोविड नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी के दौरान लॉकडाउन लग चुका और सारे का सारा जो विश्व था वो लॉकडाउन के झपेटे के अंदर आ चुका और कोविड नाइनटीन पिक पॉइंट पर होने की वजह से फॉरेनर यहाँ श्रीलंका आ नहीं सके एंड so, का जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट था वो ही रहा और और जनरेशन ना होने की वजह से श्रीलंका आज कर्जे में डूब चुका है और उसकी यहाँ पर स्थिति है दोस्तों चाइना के पास से उसको लोन लेनी पड़ रही है और चाइना के पास जो आ, एक स्ट्रेटेजी है तो की श्रीलंका की जो है श्रीलंका जो है वो काफी हद तक नीचे गिर चुका है चाइना के नजरिए में से इस क्लियर तो इसलिए इंडिया जो है हेल्प कर रहा है श्रीलंका को रिगार्डिंग टू डॉलर बिलियन क्लियर ओके और साथ साथ ही यहां पर अगर बात करी जाए कि चाइना की जो जिस तरीके की स्ट्रेटेजी है दोस्तों कि वो हम टा टापू उसने एक्वायर कर लिया है नाइन्टी नाइन के लीज के ऊपर से श्रीलंका को ले लिया है तो एक इंडिया का आस्पेक्ट दोस्तों बन सकता है कि अभी इंडिया के नीचे भी चाइना आ सकता like है अगर हम लोगों ने श्रीलंका को हेल्प नहीं किया तो सो इंडिया का श्रीलंका के आसपास से अगर स्टैंड देखा जाए दोस्तों तो यही है कि हमें जितनी हो सके उतनी श्रीलंका को हेल्प करनी चाहिए और दूसरी ओर अगर मैं डिस्प्यूट की बात करूं इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फिशरमैन का डिस्प्यूट था ठीक है जो तमिलनाडु के फिशरमैन थे वो इंटरनेशनल मेरी बाउंड्री को लांग कर यानी कि क्रॉस कर कर वो चले जाते थे श्रीलंका और वहां पर फिशिंग करते थे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के जरिए से जो कि श्रीलंका के अंदर बैन है इज इट क्लियर तो एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट देखने को आप लोगों को मिल सकता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में पर यहां पर अगर मैं बात करूं तो, तो रेफ्यूजी की अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए श्रीलंका के जो पर्सन uh, है यानी कि श्रीलंका के जो सिटीजन है जो फिशरमैन है जिसको हम लोगों ने रेफ्यूजी बोला उसकी एक छ एक फैमिली जिसके अंदर छह लोग थे वो तमिलनाडु के अंदर आ चुके और वहां की जो हमारे पुलिस पर्सन थे उन्होंने उसको अरेस्ट किया और पूछा क्यों आप यहां पर आए हो तो जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक चीजें जो है वहां पर श्रीलंका के अंदर उस चीजों के काफी हद तक दाम बढ़ने लगे हैं सो दैट इज पॉइंट ऑफ दिस सर्वाइवल ओके तो श्रीलंका के अंदर सर्वाइवल नहीं हो सकता है आलोपी जी श्रीलंका की लंगा डूब गई राइट <laughs> right. एंड यहां पर जैसे राइट बॉटम ट्रोलिंग ठीक है जिसको पार्क स्ट्रेट के अंदर बॉटम ट्रोलिंग बोला जाता है तो ये भी एक डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है इज इट क्लियर सो यहां पर अगर मैं बात करूँ सारे के सारे डिफेंस पैक्स की ठीक है तो दोनों के बीच में डिफेंस पैक बहुत सारे हुए हैं और हमारी इंडियन आर्मी ने भी श्रीलंकन फोर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है हमारे दोनों के बीच की अगर मैं बात करूं तो यहां पर डिफेंस एक्सरसाइज होती है मित्र शक्ति और नेवल एक्सरसाइज क्लिनिक्स ठीक है तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है तो यहां पर B, दो फैसिलिटीज इंडिया के द्वारा दी जा रही है यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज फ्लोटिंग डॉक यार्ड ओके यहां पर आप देख सकते हैं दर इज अ फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट नो कॉस्ट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग इसको मैं फोकस करके कर दिखा सकता हूं ठीक है हाँ तो तो जहाज जो है वो जा सकते हैं और ये जो फैसिलिटी है ट्रेडिंग के मामले में सिक्योरिटी के मामले में इसको काम आ सकता है इज इ क्लियर ओके सो यू टू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग इंडिया ने जीरो परसेंट यानी कि जीरो रुपीज में एट नो कॉस्ट ये चीज फ्री में दी है श्रीलंका को एज ए हेल्प मित्र के तौर पर नेबर कंट्री के तौर पर यह चीज समझनी है और साथ ही साथ डॉर्नियर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ठीक है यहां पर भी इंडिया ने नो कॉस्ट बेसिस के ऊपर से गिफ्ट किया है श्रीलंका को इज इट क्लियर सो यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस थिंग कि इंडिया इतना कंसर्न क्यों कर रहा है बिकॉज ऑफ द चाइना की जो टेरिटरी है या चाइना का वेंचर है श्रीलंका के अंदर ना आ सके इसके लिए यहां पर सारी की सारी जो चीजें हैं वो की जा रही है इज इट क्लियर एंड आई वॉन्ट टू ऑल्सो रिक्वेस्ट यू गाइज देर इज ओनली टू मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंस एंड सेकंड वन इज योर लाइक्स फॉर योर वीडियोज ओके सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग सो so, यहां पर आप देख सकते हैं डॉर्नियर कंसियस एयरक्राफ्ट बाय इंडिया टू श्रीलंका फ्री ऑफ चार्ज इज क्लियर मीडिया क्लैरिफिकेशन द श्रीलंका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज ब्रॉट टू लाइट टू रिसेंट डिफेंस लाइटेंस इट हैज साइंड विद इंडिया दैट नाइदर साइड ऑफिशियली एंड साइंडियाली स्टिल डेट ओके तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग याद रखें और इंडिया का श्रीलंका के आस्पेक्ट से क्या क्या कंसर्न है ये भी आप लोगों को याद रखना है डिस्प्यूटेड एरिया क्या

दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड देर पावर प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट इन्वॉल्विंग द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इंस्टैंड फॉर द एन टी पी सी एंड अदानी ग्रुप अपार्ट फ्रॉम द रिसेंट पैक्स ऑफ द मेरी टाइम सिक्योरिटी तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अदानी ग्रुप जो है काफ़ी हद तक अभी श्रीलंका को हेल्प करेगा थर्मल पावर जनरेशन के दौरान और uh, थोड़ा बहुत आगे भी चला तो यहाँ पर टाटा पावर प्लांट्स भी इसको हेल्प करने में लग सकता है इज क्लियर सो यू हैव टू ऑल्सो रिमेम्बर दिस थिंग रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन लेवल ओके अस मूव ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल रिगार्डिंग द बिजनेस सेक्शन इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस सेक्शन तो यहाँ पर आज के दौरान ऐसा कुछ देखने के लिए है नहीं पर यहाँ पर एक समझ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ग्रोथ 23 टू सेवन पॉइंट टू परसेंट तो यहां पर हम लोगों ने एक फोरकास्ट किया था कि 8 के करीब हमारा जो है वो रिवेन्यू जनरेशन होगा रिगार्डिंग दी दी ऑयल ऑयल और रिगार्डिंग सेक्टर ठीक है है पर वो थोड़ा घटकर तक तक ही पहुंचा है, 8 तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं ये चीज़ याद रखनी है है ठीक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज कट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंपेक्ट और दूसरी साइड दूसरा एक आर्टिकल यहां पर आया हुआ है कि भारत देश जो है रशिया से अभी ऑयल परचेस कर रहा है सन ऑइल ठीक है यहां पर इंडिया के अंदर हम लोग ऑइल का प्रोडक्शन तो करते ही है जैसे कि अगर बात करूं तो सिंग तेल है सनफ्लावर ऑयल है तो बहुत सारे ऐसे ऑयल है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन तो उसका करते ही है पर जितना प्रोडक्शन करते हैं उतना हम ही खा जाते हैं ठीक है यानी कि उतना जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही हम लोग कंस करते हैं फिर भी हमें जरूरत लगती है तो हमने कहा ऑयल सेक्टर ओके सो इंडिया हैज कॉन्ट्रेक्टेड फोर्टी फाइव थाउजेंड टन ऑफ रशिया सनफ्लावर ऑयल एट रिकॉर्ड हाई प्राइस फॉर दिपमेंट्स इन अप्रिल एज एडेबल ऑयल प्राइस इन लोकल मार्केट सर्ज आफ्टर सप्लाई फ्रॉम दी रिवाइल स्टॉप्ड फाइव इंडस्ट्री ऑफिशियल टोल रिटर्स ठीक है तो जो चीज हम लोग को यूक्रेन से मिल सकती थी अभी वो चीज हम लोग रशिया से परचेस कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन जो है अपना घर संभालने में बिजी है इट क्लियर तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं

Okay, I hope the article is completed. So, today's session there is only this article, and now the time to discuss with our question. So, let us discuss the first question. You have to give the answer in the comment section, not in the live chat. Is it clear, guys? Am I audible or not? Am I audible, guys? Am I audible? ओके मधुरा ओके अभय ओके माधव ओके लुफी ओके आशुतोष ओके सो प्लीज नोट नोट इट डाउन द आंसर ओके प्लीज नोट इट डाउन द द्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वन सो फर्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन नॉट इन द लाइव चेट द गुजरात के नेशनल पार्क कौन कौन से है गुजरात के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देर एंड यू हैव टू ऑल्सो मेंशन दी नेम इन दी कॉमेंट सेक्शन ओके थर्ड वन इज दी प्लीज द क्वेश्चन ओके अनिता ओके श्रुतिका थर्ड क्वेश्चन इज दी स्टॉक हॉल्म वॉटर प्राइस ल्यूरेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू किस भाई साहब को मिला है ठीक है ओके okay, शैलेंद्र ओके okay, आशुतोष तो थर्ड क्वेश्चन है इस स्टॉक हॉलम वाटर प्राइस लिवरेउजेंड ट्वेंटी टू कौन से भाई साहब को मिला है ये आपको बताना है फोर्थ वन इज दी फोर्थ क्वेश्चन इज दी इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर लग चुका है ठीक है कहां पर लग चुका है इज क्लियर फोर्थ क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर लग चुका है एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट इंडिया के अंदर कहां पर लगाया गया गॉट इट फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट इंडिया के अंदर कहां पर लगाया गया डन

ओके लुफी सर जी आई टेक जी आई टेक जिसको बोला जाता है एक पर्टिकुलर एक रीजन होता है ठीक है तो उसमें एक प्रोडक्ट होती है चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉप की प्रोडक्ट हो कारपेट की प्रोडक्ट हो ठीक है कोई भी प्रोडक्ट हो तो उस रीजन का पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है तो उसको एक टैग दिया जाता है सो दैट इज कॉल दी आई टैग ठीक है तो कल के सेशन में हम जी आई टेक को डिस्कस कर लेंगे डोंट वरी अबाउट दिस थिंग ठीक है डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे इज इट क्लियर सो कल के दौरान ये अच्छा रहेगा कि डिस्कस में आ, डिटेल के अंदर उसको डिस्कस किया जा सकता है इज इट क्लियर ओके सो Let us move on the next one. Before we complete this session, I want to discuss that if you are preparing for the low entrance, MB entrance, this examination, and if you are preparing for the government bank examination, BBA, hotel management, and BA entrance, and this is CGL examination, so don't worry. Manever Education is here, and if you are interested for this kind of the courses, so Google form link is available in the description where you can fill the form very easily as per your requirement, and our counseling team will contact you and will guide you. If you are the new family member of the Manever Education, so please subscribe our channel. In youtube and we have also social media platform where you can glades uh, where you can get the regular updates over here and if you are looking for the online and live classroom coaching so just contact on 882851455 and if you are looking for classroom coaching at the mumbai so we have three centers Borivali, Vasai, and the other so you can visit our center also you can also visit our website which is called the mananavideo.com okay so once again thank you jaihin and we will meet tomorrow sharply 11 a.m on our channel which is called the maneuver education and in the first slide we will discuss the today's question and its answers and after that we will discuss the gi tag in depth is it clear so if you really like this session so please like this session there is only one motivation regarding this particular session which is your presence and second one is your likes for the particular videos okay and if you are Really appreciate for this particular session. So please share this session with your friends, family members, colleagues uh, who are preparing for this particular examination. And if you are really want to this continue session, okay. So you have to subscribe the channel for the regular updates. Okay. So once again, thank you, Jai Bye bye. Take care and always welcome.